हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टैली ईआरपी 9 में बात करेंगे कि हम इनवॉइस नंबर कैसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल्स वाउचर हो या परचेस वाउचर हो, तो फिलहाल ये सेल्स वाउचर के लिए मैं बता रहा हूँ इनवॉइस नंबर सेट करना, कैसे इनवॉइस नंबर सेट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली अपने आप आता चला जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लीजिए युवराज एंड सन्स के नाम से। हमें क्या करना है, हमें यहाँ अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना है, ठीक है, या कीबोर्ड से ए बटन प्रेस करना है। जैसे ही ए प्रेस करेंगे तो अकाउंट इन्फो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमें आना है वाउचर टाइप्स पर और यहाँ से आना है अल्टर, तो अल्टर के लिए ए प्रेस कर दीजिए। और हमें अभी चूंकि सेल्स वाउचर में हम सेटिंग कर रहे हैं, तो हमें अभी चलना है कहाँ, सेल्स वाउचर में। सीधा यहाँ आ जाइए सेल्स वाउचर में। अब यहाँ सेल्स लिखा हुआ आ रहा है, एंटर करिए, नीचे आइए, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आ जाइए यूज एडवांस कॉन्फिग्रेशन पर। वाई प्रेस करके इसको यस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने सेट कर रखा है 233 नंबर। आपको जो भी सेट करना हो, जिस नंबर से स्टार्ट करना हो, वो नंबर यहाँ पे सेट कर दें। जैसे मान लीजिए कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं 101 यानी 101 से, तो यहाँ 101 लिख दिया। यहाँ पर दिया है विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, इसकी विथ क्या देना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दे दीजिए। जैसे यहाँ मैंने 1 दिया है, आप चाहे तो 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रीफिल विथ 0। प्रीफिल मैंने जो आपने नंबर दिया है 0 के साथ उसे फिल करना है या नहीं करना है। यहाँ पर प्रेस करता हूं, यहां पर ये लागू कब से हो रहा है, एप्लीकेबल कब से हो रहा है, वो दे देंगे, ठीक है। तो ये दे दिया हमने 1 अप्रैल 2020। यहां पर आएंगे स्टार्टिंग नंबर, आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहां पे 1 दिया है हमने, यहां पे आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर पीरियोडिसिटी की बात है, ये चेंज आप कब से करना चाहते हैं, क्या ये क्रम डेली चेंज करना चाहते हैं, मंथली चेंज करना चाहते हैं, या यही क्रम चलता रहे ऐसा ही रहने देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नेवर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सप्ताह में चेंज करना चाहते हैं तो वीकली कर सकते हैं, ईयरली एक साल पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ईयरली कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नेवर कर देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, अब ये दिया हुआ है प्रीफिक्स डिटेल। अब प्रीफिक्स की पूरी डिटेल यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से ये अप्लाई हो रहा है, चूंकि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है द शाइन इन, तो उसके शॉर्टकट नेम से TSI/2020/T एक जो प्रीफिक्स है मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, यानी जो नंबर आएगा इनवॉइस नंबर उसके ठीक पहले ये भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सफिक्स की डिटेल है, आगे क्या लिखा हुआ आएगा, जैसे पहले तो ये देख सकते हैं ये पहले लिखा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे यस किया है मैंने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ सफिक्स की डिटेल डालनी है, सफिक्स का डिटेल क्या होता है, आगे क्या लिखा हुआ आएगा वो यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ऑब्लिक कंप्यूटर एंड एक्सेल ई एंड सी हमने कर दिया है। चलिए ये अब यहां से इसको एक्सेप्ट कराते हैं और देखते हैं कि कैसा लिखा हुआ आ रहा है, कैसा जो अगर हम कोई भी सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं तो किस तरह से हमारा बिल नंबर जनरेट हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो यहां से हमें आ जाना है सीधा सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर के लिए आपको F8 प्रेस करना है कीबोर्ड से, आप आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था TSI लिखा हुआ आ रहा है, 2020 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ T102, पहले 101 था मैंने फिर 102 कर दिया। TSI क्या है, TSI मैंने बोला था कि सबसे पहले लिखा हुआ आएगा और 2020 चूंकि हमने दिया है तो 2020 आ रहा है और यहाँ पे ऑब्लिक करके 102 आ रहा है। और यहाँ पे जो सफिक्स वाली बात थी C&E जो हमने लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपको रेफरेंस नंबर डालना है यहाँ पे डाल करके और यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर आएगा ये लगा लीजिए आप, एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पे जो भी आपके पास है जैसे कीबोर्ड है तो एक ही पीस हम इसको सेल कर देते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो पहले यहाँ 102 लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर 103 लिखा हुआ आ रहा है। अब जो भी आप एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे 103 लिखा हुआ आएगा। अब ये देखिए, फिर दिखाता हूँ आपको, अभी 103 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको सेल्स लेकर के यहाँ से कीबोर्ड का एक कीबोर्ड और हम सेल कर देते हैं, यहाँ से एंटर प्रेस किया हो गया। अब यहां पर देख सकते हैं 104 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा क्योंकि हमने नेवर किया है, तो जब तक ये सेल्स वाउचर में हम रहेंगे ये अपने आप ही चेंज होता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप बिल नंबर सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे C&E के बजाय जो आपका सफिक्स है वो कुछ और आए,
तो आपको क्या करना होगा, वापस चलना होगा अकाउंट इन्फो पर, यहां पर आ जाइए अकाउंट इन्फो आ गए, यहां से आ जाइए वाउचर टाइप पर और अल्टरेशन मोड पर आ जाइए, यहां से अल्टर पर और यहां से आ जाइए सेल्स पर आ गए। अब यहां सेल्स पर आने के बाद यहां से कॉन्फ़िगरेशन को यस कर दीजिए, इंटरफेस कीजिए, यहां पे देख सकते हैं 101 ये सब लिखा हुआ आ रहा है और यहां पर जो सफिक्स की डिटेल हमने दी हुई है ये देखिए ऑब्लिक सी एंड ई लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर कुछ और देना चाहते हैं ठीक है तो वो भी दे सकते हैं, कैसे देंगे देखिए, रितेश ये हमने दे दिया मान लीजिए, यही प्रिंट होकर आएगा सफिक्स जो है, अब यही प्रिंट होकर आएगा। कंट्रोल ए प्रेस करता हूं एक्सेप्ट कराने के लिए और यहां पर आ जाता हूं। अब ये यहां पर जैसे ही हम एंट्री करेंगे ना रितेश एंड सन्स लिखा हुआ आएगा, ये देखिए यहां पर रितेश एंड सन्स लिखा हुआ आ रहा है। आप अपने इच्छा के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं ठीक है। अब यहां पर जो भी हम डिटेल देंगे यहां पर दे दिया हमने और ये डेटर पार्टिकल इधर आता ही है सेल्स वाउचर में, एंटर प्रेस किया यहां पर आ गए सेल्स अकाउंट आ गया और यहां पर इस बार कीबोर्ड ही ले लेते हैं, यहां पे वन कीबोर्ड अमाउंट में हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया और अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है। ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, अब ये जो हमने किया है इसकी एंट्री हमें देखनी होगी, तो कहां जाएंगे सेल्स में जाएंगे और ये देखिए ये रितेश एंड सन्स सब पे लिखा हुआ आ रहा है, एक बार हमने सफिक्स चेंज कर दिया तो ये इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, इसके पहले रितेश एंड सन्स लिखा हुआ नहीं आ रहा था। चलिए एक चीज और आपको दिखाता हूं, यहां से बाहर आ जाते हैं और वापस चलते हैं कहां सेटिंग पे चलते हैं जहां से हमने ये इनवॉइस नंबर सेट किया था ठीक है। वाउचर टाइप्स पे आ गए, यहां से आएंगे अल्टर पर और यहां से सीधा आ जाएंगे कहां सेल्स में आ गए। यहां पर सेल्स में आने के बाद ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फिर से यस करता हूं और यहां से आप देख सकते हैं ये जो TSI हमने लिखा है ठीक है, इसके बजाय अगर आपको अपनी दुकान का नाम देना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, यहां पर TSI मैंने लिख दिया है लेकिन यहां पर कुछ और भी दे सकते हैं आप ठीक है। पब्लिक स्कूल BJPS ठीक है और ऑब्लिक जो भी आपको करना हो यहां पे आप वो चीज दे दें, तो ये 101 कर दिया हमने। अब यहां पर आ गए इस तरह से आए और यहां पर रितेश एंड सन्स चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल ए प्रेस कर लिया सीधा सीधा बाहर आ गए यहां से और अब आ जाते हैं सीधा अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहां पे देख सकते हैं यहां DJPS आ रहा है, DJPS 101 105 ये देख सकते हैं ठीक है और रितेश एंड सन्स तो लिखा हुआ आ ही रहा है ठीक है। ये 101 और 105 ये क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार। अकाउंट इन्फो पे चलेंगे और यहां से वाउचर टाइप पे चलेंगे और यहां से अल्टर पे आएंगे, यहां से आ जाएंगे कहां सीधा सेल्स में आ गए, इंटरफेस किया और इसको यस कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन को, इंटरफेस करेंगे। ये 101 है ये देख सकते हैं, ये 101 से स्टार्ट है ठीक है और चूंकि हमने कुल मिलाकर 5 जो है बिल नंबर जनरेट किए हैं तो 101 से स्टार्ट है और 105 तक चला है, इस वजह से ये क्या हो रहा है 105 आ रहा है ठीक है। 101 तो समझ में आ रहा है आपको स्टार्टिंग नंबर है और 105 क्या है, 105 चूंकि 5 आइटम हम ऑलरेडी उसमें दे चुके हैं। अब देखिए एक एक करके हम आइटम बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर आएंगे तो यहां पर वाउचर में आ गए, अब देखिए यहां पे 5 आ रहा है, अब देखिए ये दे दिया हमने रेफरेंस नंबर, एंटर प्रेस किया और यहां पर इसको अब एक्सेप्ट करवाता हूं, ये देखिए यहां पर सेल्स अकाउंट आ गया, फिर एक बार कीबोर्ड ही एक कीबोर्ड फिर सेल कर रहे हैं हम, तो यहां पे एक ले लिया और यहां से एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है। ये हो गया, बाहर आइए, बाहर आने के बाद यहां 2 बार डी प्रेस कीजिए और हमें पहुंचना है कहां, यहां पे आना है, ये देखिए यहां पे देख सकते हैं 5 आ रहा है, ये 1 है, यहां पे देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ठीक है और ये 5 है। अब अगर अगली एंट्री भी आप बनाते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा, ये इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा ठीक है।